दोस्तों चीता पूरी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला जानवर है। चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड से भाग सकता है। एक समय था जब चीते दुनिया भर में पाए जाते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में चीते केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं और वो भी बहुत कम बचे हैं। भारत सहित एशिया के बाकी देशों में भी चीता अब लगभग विलुप्त हो चुका है। चीते के बारे में हर कोई जानता है और सभी लोग दावा भी करते हैं कि चीते के बारे में उनको सारी बातें पता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको चीते से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक बातें बताने वाले हैं जो आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों चीते के बारे में कुछ रोचक और मजेदार जानकारियां। चीते की बात सुनते ही हमारे दिमाग में अफ्रीका के जंगलों की याद आती है, क्योंकि हम सभी को लगता है कि पूरी दुनिया में केवल अफ्रीका में ही चीते बचे हैं। लेकिन आज की तारीख में ईरान में 60 से 100 की संख्या में चीते बचे हुए हैं। एक वक्त था जब चीते भारत, पाकिस्तान और रूस सहित एशिया के कुछ अन्य देशों में भी पाए जाते थे, लेकिन आज पूरे एशिया में केवल ईरान में ही चीते पाए जाते हैं। हम में से कई सारे लोग चीते और लियोपर्ड के बीच कन्फ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। चीता लियोपर्ड की तुलना में ज्यादा हल्का और ऊंचा होता है। चीते का चेहरा छोटा होता है, वहीं लियोपर्ड का चेहरा बड़ा होता है। चीता लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, वहीं लियोपर्ड की रफ्तार चीते की रफ्तार की आधी होती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मादा चीते द्वारा पैदा किए जाने वाले बच्चों में से ज्यादातर बच्चे जन्म के समय में ही मर जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि चीते द्वारा पैदा किए जाने वाले 100 बच्चों में से लगभग 5 बच्चे ही वयस्क होने तक जीवित रहते हैं, और यही इस जानवर के विलुप्त होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा ज्यादातर चीते के बच्चों के मरने के पीछे की वजह है शिकार। जब वो छोटे होते हैं तभी उनको शेर, लकड़बग्घे, बबून और कई शिकारी पक्षी अपना शिकार बना लेते हैं। ये भी इनके विलुप्त होने की एक बहुत बड़ी वजह है। चीते जब फुल स्पीड से दौड़ते हैं तो वो लगभग 7 मीटर यानी कि 23 फुट लंबी छलांग लगा सकते हैं। इतने अंतर की स्पीड वो केवल 3 सेकंड में हासिल कर लेता है। दोस्तों ये बात तो हमको पता चल गई कि चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता है और केवल 3 सेकंड में ये रफ्तार भी हासिल कर लेता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी स्पीड से वो केवल 20 सेकंड तक ही भाग सकता है, उसके बाद ये नहीं भाग सकता। बिल्ली के खानदान में पैदा होने वाला चीता तेज रफ्तार से भाग तो सकता है, लेकिन ये दहाड़ नहीं सकता। ये बिल्लियों की तरह आवाज निकाल सकता है, लेकिन बाघ और शेर की तरह आपको दहाड़ कर डरा नहीं सकता। चीता सुबह या दोपहर के बाद शिकार करते हैं, क्योंकि ये हम इंसानों की तरह रात को नहीं देख पाते। मादा चीता अकेली ही रहती है। मादा चीता केवल संभोग के समय ही नर के करीब जाती है और बाद में फिर से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बच्चों को संभालने और उसको पालने की जिम्मेदारी मादा पर होती है। इसके लिए मादा चीते को हर दूसरे दिन शिकार करना पड़ता है और साथ ही दूसरे शिकारी जानवरों से भी अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। नर चीते झुंड में रहना पसंद करते हैं। उनके झुंड में 4 से 5 नर चीते होते हैं। मादा चीते को वयस्क होने में करीब 2 साल लगते हैं, जबकि नर चीते 1 साल के बाद ही वयस्क हो जाते हैं। नर चीता 3 साल की उम्र के बाद संभोग करना शुरू कर देता है और पूरा 1 साल संभोग करता है। संभोग के बाद मादा चीता करीब 90 दिनों के बाद 3 से 5 बच्चों को जन्म देती है। चीते को जीने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये 3 से 4 दिन में केवल 1 बार पानी पीता है। अपनी तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए पहचाने जाने वाला ये चीता आज पूरी दुनिया में केवल 7100 की संख्या में बचा हुआ है। कैसी लगी आपको चीते के बारे में ये मजेदार बातें, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।